नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बन रहे सबसे बड़े राम मंदिर के बारे में और यहां स्थापित होने वाला है सबसे बड़ा शिवलिंग। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी राम मंदिर स्थापित की जा रही है। इस मंदिर के निर्माण कार्य की तैयारी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के लिए यह सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भगवान राम विवाह के बाद अपने घर लौट रहे थे, तो लौटते समय जनकपुर से लौटते समय भगवान राम की बारात यहां रुकी थी। ऐसे में इस स्थान पर विश्व का सबसे विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह मंदिर 270 फीट ऊँचा होगा। इस मंदिर की लंबाई 1080 फीट और इसकी चौड़ाई 540 फीट होगी। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के तीन तरफ सड़क है। बता दें कि अयोध्या से जनकपुर के लिए बन रही सड़क भी राम जानकी मार्ग से होकर गुजरेगी, यानी कि जो लोग अयोध्या से जनकपुर जाना चाहते हैं वो एक बार राम जानकी मंदिर जरूर रुकते हुए जाएंगे। बिहार में बन रहे इस मंदिर के निर्माण कार्य पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से करवाया जा रहा है। बता दें कि इस मंदिर के निर्माण का काम नोएडा की एक कंपनी SBL कंस्ट्रक्शन के रूप में, यानी कि SBL कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रही है। इस ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर की लागत 500 करोड़ रुपये होगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो आचार्य कुणाल ने बताया कि इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा, जिस शिवलिंग की स्थापना की जा रही है इस ब्लैक ग्रेनाइट का बना है, यानी कि वो जो शिवलिंग होगा वो ब्लैक ग्रेनाइट का होगा और इसका वजन 250 टन है। साथ ही साथ यह शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट की होगी। बता दें कि यहां स्थापित होने वाले शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया जा रहा है। अगर हम देश में शिवलिंग की बात करें तो तंजावर में 27 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जा रहा है। ऐसे में बिहार में स्थापित हो रहे इस शिवलिंग के बारे में यह बताया जा रहा है कि शिवलिंग स्थापित होने के बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होने वाला है। बता दें कि इस मंदिर निर्माण को लेकर पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख किशोर कुणाल ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इश्तियाक अहमद खान ने जमीन दान दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी खान और उनका परिवार मंदिर की परियोजनाओं, यानी कि मंदिर के कार्य के लिए मदद करता रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि खान ने मुख्य सड़क पर भी अपनी जो है जमीन वो दान के रूप में दी है। इससे प्रेरित होकर गांव के अन्य लोगों ने भी जमीन में दान दिया है, जिसके कारण विराट रामायण मंदिर अब जो है एक तरह से कह लें कि 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुका है। देश के इस तरफ जहां सांप्रदायिक खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं, वहीं पर बिहार के इश्तियाक अहमद ने एक मिसाल पेश की। इश्तियाक अहमद ने मंदिर को कई 1 से 2 लाख नहीं बल्कि 2.5 करोड़ रुपये की जमीन जो है वो दान में दे दी है। अब आपको बता दें कि इश्तियाक ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो है इस मंदिर के नाम से दान कर दिया है। तो ऐसे में अब जो बात निकलकर सामने आई वो कहा जा रहा है कि राम जानकी मंदिर में जो है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है और वह 33 फीट ऊँचा होगा। इससे पहले तंजावर में 27 फीट ऊँची शिवलिंग की ये जो प्रतिमा है वो स्थापित है। अब जो कहा जा रहा है कि यह बिहार में स्थापित होगा, तो दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो भगवान राम और जानकी का जो है सबसे बड़ा मंदिर वो बिहार में बनेगा और वहीं पे भगवान शंकर की शिवलिंग की भी जो है स्थापना करने की बात कही जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।